गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फाइनली स्टार्ट किए हैं, वाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे हम लोग। अब वाइट बोर्ड पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था वाइट बोर्ड के लिए। मैंने कल वाइट बोर्ड का सेटअप करा और आज से हम लोग वाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो स्टार्ट हम लोग करेंगे ये हमारा बेसिक लेवल का होगा। बेसिक लेवल में हुआ जो बेसिक टू एडवांस लेवल होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल होगा, जिसमें से आप बेसिक में बात करें बेसिक, तो ये बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल होगा, ठीक है। जिसमें बेसिक की बात करें तो आप SSC, रेलवे, CGL, ETC, ठीक है। और एडवांस लेवल की बात करें तो एडवांस लेवल में आपका स्टेट PCS लेवल पर, PCS लेवल, यहाँ तक UPSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। तो ये सभी के लिए, पर्सनली किसी के लिए है नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो ये PCS और UPSC के लिए बल्कि हैं, ठीक है। बट ये मैं स्टार्टिंग करूँगा मैं बेसिक लेवल से, ठीक है। इसमें मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक लेवल से। और इसमें आप लोग बता दें कि जो इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, है ना। आप बताइए मुझे किस टॉपिक से मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आप कमेंट करेंगे मैं उस टॉपिक से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योग्राफी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है, है ना, और इसके जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ओनली केवल देखते हैं इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी जो है ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो जियो, देखिए जियो, और दूसरा वर्ड क्या है, ग्राफी, दूसरा वर्ड है ग्राफी। तो समझिए यहाँ पे जियो का कहने का सेंस है, जियो का जो ग्रीक वर्ड होता है इसका मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, ठीक है। बायलिंगुअल चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पृथ्वी अध्ययन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम बात करें तो सामान्य अर्थ में बात करें, हम सामान्य अर्थ में हम बात करें कि ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, तो ज्योग्राफी का मतलब इसका मतलब सामान्य अर्थ में ये होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना है, ठीक है। तो सामान्य अर्थ में बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखिए जब ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसमें कुछ भूगोलवेत्ता थे, जिनमें से दो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। तो भूगोलवेत्ता कौन कौन है, भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता, देखिए यहाँ पर भूगोलवेत्ता कौन है, तो भूगोलवेत्ता प्रमुख दो हुए थे, जिनमें से हम देखेंगे यहाँ पे पहला जो है हेकेटियस, 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 और दूसरा जो है एरेटोस्थनीस, एरेटोस्थनीस, ठीक है। देख रहे हैं कि उस टाइम जो भूगोलवेत्ता थे कौन कौन थे, तो उसमें से हेकेटियस और दूसरा है एरेटोस्थनीस, दो हैं, एक एरेटोस्थनीस, एक हेकेटियस, ये आपका हेकेटियस और दूसरा है एरेटोस्थनीस। अब देखिए क्या होता है, जो हेकेटियस साहब है, हेकेटियस ने, इन्होंने पहली बार जो हम लोग का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल जो पढ़ रहे हैं, इन्होंने पहली बार वर्ड को प्रयोग करा था, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, भूगोल शब्द, भूगोल शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम पहली बार, ठीक है, कब क्या था, पहली बार कराते समय, ठीक है।
एरोटोस्थनीज, इन्होंने तो वर्ड को दे दिया, ठीक है, इन्होंने का क्या वर्ड दिया, प्रयोग किया, शब्द दिया। उसके बाद एरोटोस्थनीज जो है इन्होंने भूगोल को, जो भूगोल है ज्योग्राफी को, भूगोल को एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में, विषय के रूप में स्थापित किया। क्या किया? एक विषय के रूप में इन्होंने स्थापित किया। किसने किया? तो एरेटोस्थनीज ने, ठीक है। तो जो भूगोल को विषय के रूप में स्थापित किया, तो कौन सा विषय था, कौन था? तो इनकी जो पहली जो बुक थी, इनकी पहली जो रचना थी, पहली रचना, रचना, ठीक है, इनकी कौन थी, पहली रचना, ठीक है, एक कौन थी, पहली रचना। तो पहली रचना जो थी इनकी, जो पहले बुक थी वो थी जियोग्राफिया, जियोग्राफिया, ठीक है। ये क्या है, ज्योग्राफी का पहली बुक है, पहली किताब है, कौन सी है, जियोग्राफिया, ठीक है। ये क्या है, ज्योग्राफी की पहली बुक है, ये पहली बुक है, पहली, फर्स्ट बुक है, ठीक है, ये ज्योग्राफी की पहली किताब है, ठीक है। यहाँ तक समझने को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एरोटोस्थनीज ने क्या किया था, भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित किया, और इन्होंने पहली बुक लिखी थी, कौन सी, जियोग्राफिया, ठीक है, ये इनकी पहली बुक है। अब बात है कि हिकेटिया शब्द ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, और एरोटोस्थनीज ने उनको भूगोल के, जो भूगोल को, उनको एक विषय के रूप में स्थापित किया। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है, ऑफ कोर्स बात है, एरोटोस्थनीज को कहेंगे, ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जियोग्राफी, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा गया है, एरोटोस्थनीज को। अभी हम लोग पढ़ें कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब बात यहाँ आती है, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन, तो पृथ्वी पे किसका अध्ययन, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी का हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर किसका अध्ययन, किसका अध्ययन, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात आई कि किसका अध्ययन करना है, पृथ्वी का, तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी पे किसका अध्ययन करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका आगे स्टेप बढ़ते हैं हम लोग, तो पृथ्वी पे किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी सतह का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी सतह का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी सतह का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी सतह का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यह बात थी कि किसका अध्ययन करना है, पृथ्वी का अध्ययन, और पृथ्वी पे किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तो पृथ्वी के सतह का अध्ययन करेंगे, और पृथ्वी के सतह पे कैसा सतह, ठीक है, तो पृथ्वी पे जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो कैसा होना चाहिए, पृथ्वी के प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ, ठीक है, इसकी अध्ययन, तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का सतह का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी की सतह का किसका अध्ययन, तो प्राकृतिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन, ठीक है। अब देखते हैं कि पृथ्वी पे जो स्थलाकृतियाँ बना हुआ है, जो सतह बना हुआ है, ठीक है, वो सतह क्या है, पृथ्वी पे जो सतह है, यहाँ बात करेंगे सतह, पृथ्वी का जो सतह है वो सतह क्या है, एक फिक्स सतह नहीं है, सतह जो है एक फिक्स नहीं है, सतह जो है पृथ्वी का वो क्या, एक असमान है, असमान कैसे है, देखिए असमान सतह, असमान सतह, ठीक है। तो असमान सतह कैसे हुआ, तो असमान सतह कहने का सेंस मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देखिए, असमान सतह कहने का सेंस मतलब यहाँ हुआ, देखिए कहीं क्या है, पर्वत है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी, कहीं गर्त, समुद्र, समुद्र, मरुस्थल,
मरुस्थल, कहीं घास का मैदान, घास का मैदान, ठीक है। तो इतने सारे क्या हैं, स्थलाकृतियाँ हैं पृथ्वी की सतह पर, सारे क्या हैं, स्थलाकृतियाँ हैं। क्या है? पृथ्वी पर सारे स्थलाकृतियाँ हैं। अरे जो हैं ये जो आकृतियां हैं, जो आकृतियां हैं, ये जो आकृतियां बनी हैं, ये किसके द्वारा बनी हुई हैं? जो आकृतियाँ बनी हुई है किसके द्वारा बनाई हुई है? तो ये बनी हुई है प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बने हुए हैं? प्राकृतिक के द्वारा। तो प्राकृतिक के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, इससे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल। एक मिनट, यहाँ देखिए, प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन। प्राकृतिक के द्वारा बना जो बना हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन। ठीक है, आकृतियाँ जो बनी हुई है किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा, उसका क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक भूगोल। तो ये प्राकृतिक भूगोल जो हुआ, तो प्राकृतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के सतह पर बनी हुई आकृतियां, स्थलाकृतियां। आकृतियां हैं फिर, स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, ठीक है, आकृतियां फिर स्थलाकृतियां किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है, निर्मित है, ये निर्मित है प्राकृतिक के द्वारा, और इसका हम लोग कहेंगे अध्ययन। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, इस प्राकृतिक भूगोल को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भौतिक भूगोल। इसे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल, ठीक है। और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। ये हो गया आपका फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। भूगोल के दो पक्ष हैं, ये हमारा ज्योग्राफी है, भूगोल है, इसके दो पक्ष। तो दो पक्ष कौन कौन से हैं? इसके दो पक्ष हैं, पहला जो है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जिसे कहते हैं प्राकृतिक भूगोल, इसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। और नेक्स्ट है मानव भूगोल, मानव भूगोल। ये हमारा है भौतिक भूगोल और ये हमारा मानव भूगोल। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उपस्थित प्राकृतिक प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना, पृथ्वी सतह कैसा है था, ये क्या था, असमान। तो पृथ्वी की सतह असमान थी, तो इस पर क्या क्या थे, यहाँ पे पहला था पर्वत, पठार, नदी, झील, तालाब हो गया, मरुस्थल, मरुस्थल, और फिर लेते हैं गर्त, समुद्र आदि, ठीक है, ये सारे थे। तो क्या है कि पृथ्वी की सतह क्या है, आसमान है। तो पृथ्वी की सतह पर आसमान होने के कहने के सेंस से मतलब इस पे पर्वत, पठार, नदियाँ, मरुस्थल, झील, सागर, गर्त बहुत सारे हैं, घास के मैदान भी हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या सारे आसमान सतह हैं, पृथ्वी पे आसमान सतह है।
तो ये क्या है, प्राकृतिक के द्वारा क्या निर्मित है। ठीक है, तो ये सारी स्थलाकृतियाँ आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ जो बनी हैं कहाँ कहाँ पे हैं, ये पृथ्वी पर बनी है, पृथ्वी पर बनी है। ठीक है, कहाँ बनी है, पृथ्वी पे बनी है। ठीक है, तो हम लोग इसका कार्य करना है अध्ययन, इसके क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, इसका करना है हम लोग, इसका अध्ययन करना है। देखिए अब क्या है, पृथ्वी है, यहाँ समझिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहेंगे, भू। आकृति है तो आकृति, और अध्ययन है तो अध्ययन को हम कहेंगे विज्ञान। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पृथ्वी के सतह पे निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ हैं कौन कौन से, पर्वत, पठार, नदी, झील, झरना आदि जो हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, मतलब भू आकृति विज्ञान। इसका मतलब वो सामान्य अर्थ में ये हुआ कि पृथ्वी की सतह पर बनी स्थलाकृतियाँ किस द्वारा बनी, प्राकृतिक द्वारा बनी स्थलाकृतियों का अध्ययन करना। भौतिक भूगोल में जो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो भौतिक भूगोल में हम लोग देखे थे पहला जो था भू आकृति विज्ञान। देखिए कि पृथ्वी की सतह पर जल और वायु की उपस्थिति है। पृथ्वी के सतह पर किसकी उपस्थिति है, जल और वायु की उपस्थिति है। ठीक है, जल और वायु मतलब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, जलवायु का अध्ययन करेंगे। मतलब किसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जलवायु का अध्ययन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे जलवायु विज्ञान। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के सतह पर क्या है, 71% जल है। पृथ्वी की सतह जल। ठीक है, तो 70% जल है, तो इसमें जल में सबसे ज़्यादा क्या है, महासागरों में जल है। ठीक, कहाँ है, महासागरों में, क्या उपस्थित क्या है, महासागर में, महासागर में। ठीक है, महासागर में, समुद्र में। ठीक है, तो अब लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, समुद्र विज्ञान, समुद्र का अध्ययन करेंगे, तो समुद्र विज्ञान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया, और समुद्र हो गया, तीन हो गया। अब पृथ्वी पर उपस्थित क्या है, जीवन है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है, तो इसमें जीवन है। ठीक है, जीवन के कहने का सेंस मतलब है, यहाँ पे पादप भी है और यहाँ पे जंतु है। ठीक है, आप यह समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जीवन का कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे पादप है, यहाँ पे जंतु है। तो ये पादप है, ये जंतु है, मतलब ये हमारा होगा
जीव भूगोल। भूगोल के अंदर में हम लोग चार चीज पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल के अंदर में हम लोग देखेंगे चार चीज पढ़ेंगे। कौन कौन देखेंगे? पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जो भू आकृति है, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जो भू आकृति है उसका अध्ययन करेंगे, मतलब हमारा हो गया भू आकृति विज्ञान। ठीक है, दूसरा देखेंगे पृथ्वी के सतह पे उपस्थित क्या है, जल और वायु, जल और वायु, तो हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, जल वायु। तो हम लोग क्या इसके पे करेंगे, हम लोग जलवायु विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जलवायु विज्ञान। तीसरा बात हुआ कि पृथ्वी पे जो सतह पे है क्या है, 71% क्या है, जल के अधिकता है, जल है, मतलब महासागर है, समुद्र है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुद्र का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि समुद्र क्या है, इसमें क्या है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, तो हम लोग समुद्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान हो गया, तीन हो गया। चौथा क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर क्या है, तो जीवन उपस्थिति है। ठीक है, तो जीवन उपस्थिति क्या है, सेंस मतलब इसमें क्या है, जीव जंतु तो हैं, इसमें पादप भी हैं। ठीक है, तो पादप भी हैं और जीव है, जंतु है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन रूप हम लेंगे तो क्या है, जैव। ठीक है, तो दोनों को पढ़ना होगा हमको, जैव भूगोल। क्या पढ़ना होगा? जैव भूगोल। तो यहाँ देखिए आप कि ये हुआ भू आकृति विज्ञान, दूसरा हो गया आपका जलवायु विज्ञान, तीसरा हो गया समुद्र विज्ञान। ठीक है, और चौथा हो गया भूगोल, जैव भूगोल। ठीक है, चौथा हमारा हो गया जैव भूगोल। तो हम लोग भौतिक भूगोल में हम लोग चार चीज़ें देखेंगे, भौतिक भूगोल में हम लोग चार चीज़ देखेंगे। ठीक है, आज के इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें फिर हम लोग आगे स्टेप देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, कल में उसमें देखेंगे हम लोग मानव भूगोल। ठीक है, कल के सिलेबस में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे मानव भूगोल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल का हम लोग देखेंगे मानव भूगोल। और जी हाँ, अगर आप लोग को कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि हाँ मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हुई। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 100% अपना एफर्ट देने का। ठीक है, बस आज की क्लास से इतना ही।